अर्थनैतिक व्यापार संपर्कित केन्द्र क्याबिनेटर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति पश्चिमबंगर नारायणगढ़ और भद्रक मध्ये हेबो तृतीय रेल लाइन 155 किलोमीटर रेल लाइन पर खर्च हेबो 1866 कोटी 31 लाख टंका 2023-24 सुधा सरिबो काम एथिरे सृष्टि हेबो 37 लाख 20 हजार श्रम दिवस एथिसह चीनीकल गाड़ी को जोगाजिबो 2790 कोटी टंकार अतिरिक्त पांठि चापग्रस्त तापज विद्युत केन्द्र सहायता पर दिजिव पदक्षेप ए मंत्रीगोष्ठी सुपारिश को क्याबिनेट अनुमोदन केन्द्रीय शिक्षानुष्ठान शिक्षकों पर संरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दिल्लीर अनधिकृत कलोनी बासिंदा मिल जमी अधिकार पद्धति निरूपण पर कमिटी गठन प्रस्ताव को क्याबिनेट मंजूरी बैठक पर सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते केन्द्र अर्थमंत्री अरुण जेटली नारायणगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है उससे लेकर भद्रक तक 155 किलोमीटर का रेलवे लाइन है। ये थर्ड लाइन होगी जिसको कि 2031 करोड़ के अप्रूवल के साथ सैंक्शन कर दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 तालिकार ऊपर को उठिला सिल्क सिटी एपटे तलक खसला स्मार्ट सिटी सर्भे 216 रैंक सह राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर ब्रह्मपुर अनेपटे 288 रैंक पाई पूर्वापेक्षा तलक खसी भुवनेश्वर तालिकार तृतीय स्थान हासिल कर बालेश्वर स्वच्छतार राज्य में टॉप कला सिल्क सिटी ब्रह्मपुर तलक खसला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर जातीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 रिपोर्ट में 216 रैंक सहित स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को पछरे पकाई ब्रह्मपुर महानगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 अनुसार गत जनवरी में देशव्यापी होता यह सर्वे रेकर्ड 28 दिन भितर सरी सर्वे 4237 महानगर निगम और सहर एथिरे सामिल होते तालिकारे यूएलबी भित्तिरे 216 रैंक सह ओडिशार स्वच्छ सहर ब्रह्मपुर 288 रैंक सह द्वितीय भुवनेश्वर और 298 रैंक सह बालेश्वर टाउन तृतीय स्थान रे पूर्व वर्ष तुलना रे ब्रह्मपुर और बालेश्वर रैंक बढ़िथिबा बेले भुवनेश्वर रैंक खसिछि 2018 स्वच्छ सर्वेक्षण रे ब्रह्मपुर रैंक थिला 305 सेहिभळी भुवनेश्वर रैंक थिला 243 और बालेश्वर रैंक थिला 298 आम गत वर्ष निष्पत्ति नहीं कि आम ओडिशा रे निजे आम ओन स्मार्ट सिटी आम ब्रह्मपुर को करूँ से ही भितर आम गुड़ाए प्रयास आम करूँ जमी आम जो ओडीएफ आम एस एच जी मान को लेकिन जो मेन्टेनेंस टॉयलेट तक देलु से ही स्वच्छाग्री भाव बुली बुली कि समस्त को बुझाऊँ आर संगे अंडरग्राउंड डस्टबिन डोर टू डोर कलेक्शन समस्त मिसिकी और प्लस जो पब्लिक रे सपोर्ट आसला से नहीं कि आम भावु कि दैट वाज द मेन रीजन तमें एत प्रोग्रेस मेजर जो पॉइंटिंग रोची पॉइंट जो जिन रही से डंपिंग यार्ड रोचे आमर जो बुआसुनी रे डंपिंग यार्ड चली वर्तमान गोटे एनजीटी केस भी हो जाए जहाँफल जो स्पीड रे सेटा हमें एक्सपेक्ट करूँ कि प्रोग्रेस करूँ से स्पीड रे प्रोग्रेस हो पारे विश्वर सबुठारु बड़ स्वच्छ सर्वेक्षण कहुआ सर्वे जातीय स्तर में एक नंबर राज्य भाव छत्तीसगढ़ सामग्रिक भाव ओडिशा को मिली 17वां स्थान सर्वेक्षण समय रे विभिन्न प्रसंग को विचार को निया से भितरे थिला खोलारे मलत्याग बर्ज्यवस्तु परिचालना आदि एकाधिक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग या सहित जन सचेतनता को मध्य विचारभुक्त करा जायथिला ओ ए सबुर जियो ट्याग मध्य करा जायथिला सारा देश रे प्राय 64 लाख लोकंकर मतामत होइथिला संग्रह सामाजिक कर्मी मतरे भुवनेश्वर भली स्मार्ट सिटी एही दौड़े पछरे पड़िबार मुख्य कारण योजना कार्यकारिता रे आंतरिकतार अभाव एथिपाई आवश्यक अधिक जन सचेतनता जो बड़ बड़ सहर मान को पछरे पकेबा को हेले आगु को बहुत काम करियार अछि जेबले कि जो फिकल स्लज मैनेजमेंट कथा होछि जो मल को मैनेज करबा बा पब्लिक टॉयलेट कम्युनिटी टॉयलेट को ऑपरेशन मेंटेनेंस करबा ताकु सफा सुथरा रखिबा एवं या पई जहां जहां दरकार से माने निश्चित भाबे लोकंकर पार्टिसिपेशन रहिबा दरकार भागीदारीता रहिबा दरकार प्रति नागरिक सहयोग करिया दरकार सरकार को एथि पई स्वतंत्र स्वच्छ करिया पई जो ऑफिसर माने रहिछन्ते मु कहि से माने ही दाई काई के ना देखंतु पैसा एत मात्रा रे बाटबरणा होची जदि
ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେବର 8 ଜଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ 18 ଜଣ ପକେଇକି ସେମାନେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି। ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରିରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ସହରକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ସେ ଭିତରେ ଅଛି କରଞ୍ଜିଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ତିନୋଟି ଯାକ ସହରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦ୍ରୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସତୀଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଚେଞ୍ଜ ଫର ବେଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଦଳର ଦରଦ ରହିଛି। ମହିଳା ଦିବସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଥିମ୍ ଅଛି ବାଲାନ୍ସ ଫର୍ ବେଟର। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଭା ହେବ ଯେ ଏକ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆମ ଥିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଫର୍ ବେଟର। କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉ, ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ 19 ବର୍ଷରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଅନନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା, ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ସାହସର ସହ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ ମହିଳାଟିଏ। ଏଭଳି ଦୁଇ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ଓ ବାସନ୍ତୀ, ଯିଏ ପରିବାରର ଝଡ଼କୁ କେବଳ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ କେଉଁଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ। ଲେଡି ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ବାସନ୍ତୀ ଓ ସ୍ନେହଲତା କୌଣସି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ମାଷ୍ଟର ଏମାନେ। ରାଜଧାନୀର ମହିଳା ଡବାବାଲା ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ 50ରୁ ଅଧିକ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ। କେବଳ ହଷ୍ଟେଲ କାହିଁକି, ଅନେକ କର୍ମଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ନେଉଛି, ଆଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଖାଇବା କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା ବନାନ୍ତି, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ଯେତିକ ଅଛି ପିଠା ବନାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଆଣ୍ଟି ବନାନ୍ତି, ପୁରା ଘର ଷ୍ଟାଇଲ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା ପୁରା ମସ୍ତ ଖାଇବା ବନାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଭେଜ୍ ପ୍ରାୟ ଖାଏ, ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ନବା ଆଣିବା କରେ, ପିଲାମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଓଷା ବାର ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ବି ସାଦାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ଆଉ ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦୁକର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ କମ୍। ସ୍ୱାମୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବିପତ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲେ ବାସନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ନେହଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ଉଭୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ପରିବା କିଣାଠାରୁ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଟିଫିନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁକିଛି ନିଜେ କରନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ପିଠା। ଦୈନିକ ମେନୁରେ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପିଠା, କେତେବେଳେ କାକରା ମଣ୍ଡା ପିଠା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ଓ ଚିତଉ। ବିବାହ ବ୍ରତଘର ସମୟରେ ପିଠା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ବି ଆସେ। ନିଜେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇ ବେଶ ଖୁସି ବାସନ୍ତି ଓ ସ୍ନେହଲତା। ମୁଁ କରଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ନିଜ ବଳରେ ଆମେ ନିଜେ କରି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ମୋର ଚାହେଁ କିଛି ସେବା ବି କରୁ, କିଛି ଉନ୍ନତି କରୁ ସେମିତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଇଏ, ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କର ପାଗଳ, ସେ ଆସି କାନ୍ଦିଲା, ସେ ଆସି କଲା,
छ मास वर्षे रहिला तार सुविधा हला से पळैला एकटा मो स्वामी करमती माने गोडा एक्सीडेंट हेला हाई बीपी हेकी से पैसा इनकम कर पारलेनी बहुत खुशी लागुछ बहुत खुशी लागुछ टाइम पास हे जाउछ आ घरे बसी के जो अन्य बेकार चिंता गुडा कथिला से गुडा का किछ नै भलो लागुछ छोटिया घरे निजर छोटिया कैंटीन को नहीं बेस गर्वित एही दुई महिला जदि भी कहीं असहाय महिला काम सन्धान आसती से अन्नपूर्णा कैंटीन द्वार सबुले खोला बोली कही स्नेहलता क्यांटीन रो ना होची अन्नपूर्णा आउ अन्नपूर्णा भली समस्त पेट को आहार जोगाउछंती दुई महिला पुरुष प्रधान समाज रे एमानंको कार्य एबे अन्य मानंको पई उदाहरण पलटिछि भुवनेश्वरु कैमरामैन रश्मि रंजन और पतित पावन बेहरांक सह शुभलक्ष्मी बळ न्यूज 18 ओडिया अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे पुरी बेलाभूमि रे बालुका कला जरिया रे सचेतनता बार्ता समाज रे महिलांकु सुरक्षा एवं सम्मानर सह बंचिवार अधिकार रहिछि बोली बार्ता देछंती अंतर्जातीय ख्याति संपन्न बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पटनायक एवं मानस साहू पद्मश्री सुदर्शन पटनायक स्टैंड आर्ट इंस्टीट्यूट रो छात्र छात्री हैप्पी वुमेन्स डे लिखि समाज को देछंती शांति और सम्मान रो बार्ता सेपरी बालुका शिल्पी मानस साहू बालुकारे महिलांकु अग्राधिकार एवं सुरक्षा सचेतनता बार्ता सह टाइटल देछंती गिव मी विंग्स ऑफ फ्रीडम टू फ्लाई हाई लिखिछंती ए बालुका कला को मनभरी उपभोग एवं प्रशंसा करिछंती देशी और विदेशी पर्यटक लोमेंस डे पर हमर सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट तरफ रु सैंड स्कल्पचर क्रिएट कराई छे एतरा जो यूएन रो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर थीम अछि से थीम को नेकरी स्कल्पचर कराई छे अराउंड 4 टन्स ऑफ सैंड यूज हे छे वो हम स्कूल सब पिला ने कृषि के बिल्ड अप करछ स्कल्पचर आम देखु कमी नारीर जोड़े डेणा लगी से विश्व जीणी पारूँ तार पराक्रम द्वारा ये बलिष्ठ नारी को आम देखु ये जेकि विश्व विजयी हो पार्टी आज रांची में खेल भारत ऑस्ट्रेलिया दिनिकिया सीरीज तृतीय मैच प्रथम दुईट दिनिकिया रोमांचकर विजय हासिल कर विराट ब्रिगेड रांची मैच जीति सीरीज कब्जा करने को लक्ष्य रखी तेज दल चिंतार कारण साजिपे मिडिल अर्डर बैटिंग सेपटे कंगारू टीम पाई करोबा मोर स्थिति सीरीज रे कमबैक करबा को प्रस्तुत ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज रे सोचनीय पराजय रो प्रतिशोध दिनिकिया रे नबो विराट बाहिनी हैदराबाद और नागपुर दिनिकिया जितिबा परे एबे शुक्रवार रांची रे विजय रो हैट्रिक सह सीरीज हातेबा को लक्ष्य रखी टीम इंडिया रांची रे भारत रो दिनिकिया रिकॉर्ड अपेक्षाकृत भल रही दल एठारे खेलिथिबा चारिटी दिनिकियारु दुईटी रे विजयी ओ गोटीए परास्त होइथिया बेले ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे होइथिबा एकमात्र मैच वर्षा जोगु बातिल होइथिला चलित दिनिकिया सीरीज रे भारतीय दल लगातार विजय हासिल करथिले मध्य सीरीज कब्जा करबा को हेले बैटिंग विभाग रे आहुरी भलो करबा को पड़िबो कोहली केदार जादा विजय शंकर और धोनी भलो खेलथिले मध्य ओपनिंग और लोअर मिडिल ऑर्डर एबे भी चिंतार कारण साजिछि तेणु क्रमगत विफल रायडू का स्थान रे पांड्या को सुजोग मिलबा नै चर्चा होछि बोलिंग बैटिंग अपेक्षा भल थिले मध्य बुमरांग सह अन्य बोलर भी चापर भल बोलिंग करबा जरूरी तृतीय दिनिकिया रांचीवासी नजर रहिबो महेंद्र सिंह धोनी उपरे जहां कि होम ग्राउंड रे संभवतः शेष मैच प्रथम दुईट मैच रे कला संघर्ष करी परास्त होइतिबा ऑस्ट्रेलिया पई एबे कर बा मोर स्थिति टी20 रो पराक्रम दोहराई दल सीरीज को कमबैक करबा को लक्ष्य रखिछि तेबे दिनिकिया रे दल पई सबुठु बड़ चिंता साजिछि बैटिंग टी20 रे पराक्रम देखाइथिबा बैट्समैन दिनिकिया रे फीका पड़िछंती ख्वाजांकु छाड़ीदेले दिनिकिया रे अन्य कोनोसी बैट्समैन हाफ सेंचुरी मध्य करि पारि नाहंती तेबे दलर बोलिंग बेस शक्तिशाली रहिछि एहा छड़ा कंगारू टीम को पालटा आक्रमण करबा बेस भलभावे जणा तेणु पुणि थरे एक रोमांचकर मैच हेबा आशा करा जाउछि ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया
ସମସ୍ତ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ରଖିବା ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନୋଡ଼ିଆ .com ନମସ୍କାର।